नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आप लोगों ने जाना था बैकअप सेल के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे IC के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, वहाँ से आप सभी पार्ट हमारे देख सकते हैं। दोस्तों, आज का पार्ट है IC और पार्ट नंबर 17। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सर्किट दोस्तों, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आईसी आखिर होती क्या है। देखिए, काफ़ी सारे कंपोनेंट जिनको मैंने आपको बताया है, कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और भी तरह के काफ़ी सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया है, उन सभी को मिलाकर, उन सभी को कंबाइंड करके एक बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम आईसी होता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के आईसी बनती है। बहुत सारे पार्ट जोड़कर आईसी बनती है, ठीक है दोस्तों। यह चार प्रकार की होती है दोस्तों। यह चार प्रकार की होती है। पहला है टू साइड पिन आईसी, टू साइड पिन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस आईसी में दो साइड पिन होती हैं, तो मैं इसका रेल शेप यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये आईसी है, एक साइड पिन हो गई है इस तरह से, और दूसरी साइड भी इसमें पिन हो गई है इस तरह से। एक डॉट हो सकता है, ठीक है, और इसकी ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो तरफ पिन होती है, इसे बोलते हैं दो साइड, टू साइड पिन आईसी, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ कि ये चार्जिंग आईसी 8 व 6 पिन में, 6 पिन में होती है, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी जो होती है ज़्यादातर 2 पिन में ही होती है, वो टू साइड पिन में ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर टू, फोर साइड पिन आईसी। इस आईसी का रेल शेप में बना रहा हूं, इसमें चारों बगल पिन मिलेंगी और एक डॉट मिलेगा, वही ब्लैक बॉडी, ठीक है। तीसरा जो होता है, तीसरा आईसी जो होता है वो होता है PGA IC, यानी कि पिन ग्रेटेड एरी आईसी, ठीक है, PGA IC। तो ये इसका भी मैं रेल शेप बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए, वर्गाकार नीचे की तरफ पिन इसमें होती है इस तरह की, गोल नहीं होती, वर्गाकार होती है। वर्गाकार मिलेगी या आयताकार भी हो सकती है PGIC में, ठीक है दोस्तों। अगला आता है
BGAIC, ठीक है, चौथे नंबर का BGAIC, बोल ग्रेट एरी आईसी, ठीक है। तो इसका रियल शेप मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस आईसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्गाकार या आयताकार पिन थी, इसके अंदर बिल्कुल गोल पिन होती है और बिल्कुल नीचे की साइड होती है, इनमें साइडों में होती है, इनमें नीचे होती है। पीसीबी में कैसी दिखती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पीसीबी में कैसी दिखती है मैं इनको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। देखिए मैं आपको आईसी दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने चार आईसी अभी पीसीबी से निकाल ली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टू साइड पिन आईसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो आईसी है इसके टू साइड पिन है, यानी कि दोनों तरफ पिन है, ठीक है, इसको हम टू साइड पिन बोलते हैं। अब दिखाते हैं आपको अगली आईसी, यहाँ पे ये देखिए, ये पीजी आईसी है, ठीक है, इसके अंदर आयताकार पिने होती हैं नीचे की तरफ या वर्गाकार भी हो सकती है। और ये है दोस्तों बीजीए, इसके अंदर बॉल टाइप की पिन होती है, बिल्कुल गोल और नीचे की तरफ होती है, ठीक है, ये छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है सभी। और इसको देखिए इसके चारों तरफ पिन है, ये बीच में जो पिन आप देख रहे हैं बड़ी वाली, ये तो सिर्फ इसकी सपोर्ट के लिए, इसको चिपकाने के लिए है, बाकी इसकी साइड में पिन लगी हुई है चारों तरफ, इसको बोलते हैं फोर साइड पिन आईसी। तो ये चार तरह की आईसी होती हैं, ये छोटी बड़ी हो सकती हैं, किसी भी साइज में हो सकती हैं। और आपको और ज़्यादा जानकारी हम एक स्पेशल पार्ट में देंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी आईसी रैम की है, कौन सी फ्लैश की है, कौन सी चार्जिंग की है, और सभी तरह की आईसी के बारे में जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आईसी के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक हमने डाल दिए, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।